ये नागपंचमी के त्यौहार पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार आज की जनशिक्षा केंद्र स्तरीय बैठक होना अनिवार्य बताया गया था। आदरणीय जिला पंचायत सीईओ सर के द्वारा निर्देशित किया गया था कि जनशिक्षा केंद्र स्तर पर सभी शाला प्रमुखों अथवा यदि अवकाश पर हैं कोई शिक्षक तो अनिवार्यतः किसी एक शिक्षक को निर्देशित करेंगे एचएम और मीटिंग उपस्थित रखेंगे। साथियों, हम सब सर्विस कर रहे हैं और आदरणीय द्विवेदी जी, हम आप सभी, आपके स्कूल के शिक्षक, यह एक जो सिस्टम चला आ रहा है ऊपर से नीचे तक और विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए एक हम भी एक माध्यम है, कहीं कहीं बीच में है। जब भी मीटिंग आयोजित होती है तो पूर्व में कई बार ग्रुप में भी लिखा जा चुका है, आजकल ये माध्यम है और ग्रुप में जो लिखा जाता है तो कम्युनिकेशन का एक उचित माध्यम माना जाता है पूर्ण रूपेण। यदि आप अवकाश पर हैं, एकल शिक्षकी शाला है, तो संकुल प्राचार्य से निवेदन करके किसी एक शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय किसी भी स्तर पर बंद नहीं होना चाहिए और यदि संकुल प्राचार्य से आप बात करते हैं और शिक्षक नहीं भिजवाते हैं तो यहां से जरूरी मीटिंग में आने से जरूरी है कि आप विद्यालय में रहें। इसके बाद आदरणीय संकुल प्राचार्य महोदय से परामर्श ली जाएगी कि उन्होंने शिक्षक की व्यवस्था किस आधार पर नहीं की। दूसरा बिंदु यह है कि यदि आप अवकाश पर हैं तो आपका यह नैतिक दायित्व बनता है कि आप अपने साथी को सूचित करेंगे कि आज मीटिंग में जाना है। जब भी मीटिंग आयोजित होती है, आप सभी भी यहां आते हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से कुछ न कुछ अपना समय देते हुए पहुंचते हैं, हम लोग भी आते हैं। यह जो पूरा सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम का एक मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों को शिक्षित करना और इस शिक्षा में जो भी परेशानी आ रही है उस परेशानी को दूर करने के लिए शासन स्तर पर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रत्येक समस्या हमारे फील्ड से ही उत्पन्न होती है कि बच्चों के पास कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है, गरीब है, किताब नहीं है। जब समस्याएं आती हैं तो बड़े स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं और इसीलिए उन बच्चों को इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए ये सभी तरह की योजनाएं संचालित हैं। लेकिन हम सभी शिक्षक साथियों को यह विशेष ध्यान देना है कि विद्यार्थियों की शिक्षा किसी भी तरह से प्रभावित न हो। उन्हें शिक्षित करना हम सबका नैतिक एवं यदि हम माने कि सर्विस में हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें कुछ न कुछ प्रतिदिन जरूर सिखाएं। सिखाने का स्तर, हम सब डीएड किए हुए हैं और विभिन्न तरह से कई बार प्रशिक्षण आयोजित हुए हैं और ये बताया गया है कि जिस स्तर पर हो उसी स्तर पर उनको सिखाना है। साइकोलॉजिकल थीम यह है कि प्रत्येक बच्चे की शैली सीखने की अलग अलग होती है, इसलिए उन्हें अलग अलग ढंग से भी सिखाए जाने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसके लिए हम बार बार हमारे विद्यालय से ही यह बात उठाई गई कि अभी विद्यार्थियों का स्तर इतना न्यून है, पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं तो पाठ पुस्तक का अध्ययन कैसे करें। इसके लिए मैं भी 12 वर्ष से आपके शासकीय नौकरी में कार्यरत हूं, इसके पहले प्राइवेट में था, लेकिन 12 वर्ष से लगातार मैं देख रहा हूं कि विद्यार्थियों की जो मूलभूत बुनियादी साक्षरता है जिसको हम दक्षता उन्नयन के नाम से जानते हैं, यह अभियान चलाया गया और अभी कोरोना के काल के बाद भी पिछले वर्ष लगातार इस पर मेहनत हुई कि बच्चों को सर्वप्रथम पहले उन्हें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सिखाया जाए। यह फैलन के आने के पहले भी आप सभी को ज्ञात होगा कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था कि पहली और दूसरी के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख जाएं तो आगे की समस्या समाप्त हो जाएगी। कहीं न कहीं यह बात ऊपर तक पहुंची होगी या किसी दूसरे साथियों के माध्यम से गई होगी, तो इस पर वास्तव में बहुत अच्छा विचार विमर्श के उपरांत
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का एक कैंपेन चलाया गया और उसके लिए एक स्पेशल शिक्षक को अथराइज्ड किया गया कि आपकी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि कक्षा एक और दो के बाद जब कक्षा तीन में पहुंचे ये बच्चे तो उनसे किताब पढ़ना और लिखना आना चाहिए। यह एक बृहद पैमाने पर वृहद स्तर पर बात होती है, लेकिन हमारे विद्यालय की कुछ न कुछ समस्याएं होती है। कहीं एकल शिक्षकी शाला भी है और एक ही शिक्षक है जो हम लोगों के हाथ में नहीं है, उस पर भी यदि हम बात करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। शासन के स्तर पर वास्तव में जुलाई से ही यदि हमारे स्कूल संचालित है तो अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हो जानी चाहिए, लेकिन अभी लेट है, आप अभी मेहनत किए होंगे। लेकिन जिस विद्यालय में प्राइमरी स्कूल यदि है और एक शिक्षक से दो शिक्षक हैं तो एक शिक्षक कक्षा एक और दो का जो प्रशिक्षण है फेलन का लिए हैं अध्यापन करेंगे पूर्ण रूपेण, उनकी जवाबदारी है जिम्मेदारी है, और दूसरे हमारे जो शिक्षक साथी हैं तो कक्षा तीन से लेकर के पांच तक का अध्यापन कार्य करेंगे। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि कक्षा तीन से पांच का जब अध्यापन कार्य करेंगे तो उनकी पाठ्य पुस्तक तो अलग अलग है तो कैसे पढ़ाएंगे, और इसके पूर्व भी समस्या है कि भी उन्हें पढ़ना लिखना आता तो नहीं है। आप ध्यान दिए होंगे जो दक्षता उन्नयन की पुस्तक है तो कक्षा तीन से पांच और छह से आठ की एक ही प्रकार की है, तो उन्हें बैठा करके तीन से पांच का अध्यापन पूर्ण रूपेण कराना है। अब हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं। मैं जब मॉनिटरिंग में रहता हूं कहा जाता है कि यदि वर्क बुक को यदि हम पढ़ाते हैं तो इन्हें सीखने के लिए जो उचित इनका क्रम है तो कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अभी बच्चों यहाँ पर मीटिंग चल रही है, अच्छा आप लोग बैग ले रहे हैं। साथियों, जहां तक व्यक्तिगत मेरा मानना है कि यदि हम अपने विद्यालय में यदि मेहनत करें, केवल उन्हें किताब तो पढ़ाना सिखाना है, कंडीशन अलग अलग है, और नकारात्मक बातों को छोड़ दें। हमारे पास कुछ नकारात्मक जो वाक्य हैं अक्सर आते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, मेरा कहना है कुछ तो आते हैं, जितने आए उतने को तो पहले पढ़ाए हम, जो नहीं आते हैं उनके कारण उनको नहीं छोड़ना है। जो हमारे सामने हैं, यदि आपके पास एक बच्चा आता है तो हमारी तो ड्यूटी है कि हम पूरे दिन स्कूल में रहेंगे ही, तो उनको पढ़ाने का नैतिक दायित्व हमारा बनता है। कोई ये निर्देशात्मक आदेशात्मक भाषा नहीं है, हमारा कर्तव्य बनता है उन्हें हम सिखाएं। अब कैसे सिखाएं प्रश्न उठता है, इसके लिए हमारे सभी शिक्षक साथी अपने विद्यालय में स्वतंत्र हैं, आप विभिन्न तरह के नवाचार करके सिखा सकते हैं। हाँ, जब आप सिखाएंगे तो जिस तरह से हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें डायग्नोस करता है, जांच कराता है, जांच से पता चलता है कि बीमारी क्या है। बुखार कई कारण से आती है, मलेरिया से आती है और अन्य कारण होते हैं, फीवर आता है तो उस फीवर की जांच करता है कि फीवर क्यों है। तो बच्चों से नहीं बनता है तो इसकी जांच करने के लिए टूल्स प्रदान किया गया है। उस टूल्स में आप देखेंगे कि बच्चा किस स्तर पर है। आप अपनी विद्यालय में जो सही स्थिति है बच्चे को उसी स्तर पर रखिए, भले वह अक्षर पर ही हो, नहीं दिखाने की आवश्यकता है कि वाक्य और शब्द पर पहुंच गया है। हम इसके पूर्व गलती कर चुके हैं कि बच्चों को उमंग में पहुंचा दिए थे। आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्ष इसीलिए उमंग समूह को ही बंद कर दिया गया, जब उमंग रखेंगे ही नहीं तो बच्चे उमंग में कैसे पहुंचेंगे, उन्हें तरुण तक रोका गया। इसलिए कि जब भी मॉनिटरिंग होती है आपके मॉनिटरिंग प्रपत्र को लेकर के हम देखते हैं और बच्चों से पूछते हैं तो यहां टिक लगा रहता है तरुण और उमंग में, और बच्चे से पढ़ते नहीं बनता है। यह टूल्स जिस तरह से एक डॉक्टर के लिए जांच की किट उसी डॉक्टर के लिए है, उसी जांच के लिए है, उसीलिए आपका ये जो ट्रैकिंग सीट है ये केवल आपके लिए है, इसकी उपयोगिता केवल आपके और आपके स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है। आप इस टूल्स को देखकर के समझ सकते हैं कि हमारे स्कूल के विद्यार्थियों का स्तर क्या है, और यह तभी संभव होगा जब हम अपने स्कूल के विद्यार्थियों की सही सही ट्रैकिंग करेंगे। हम मानते हैं कि हमारे स्कूल के विद्यार्थी अभी वर्ण पर हैं, उन्हें हम वर्ण ही सिखाएं। जहां तक मेरा अनुभव रहा है तो मैं पूरे दिन लगभग 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक अनवरत ड्यूटी कर रहा हूं, और एक स्कूल में जाकर के लगभग 4-5 घंटे तक रुकता हूं। इसके बावजूद भी जब मैं पढ़ाने के लिए
सोचता हूं कि हमारे शिक्षक साथी पढ़ाएं और हमारे देखिए त्रुटि कहां पर हो रही है, तो अभी भी कुछ हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि एक जो निश्चित निर्धारित हमारी प्रक्रिया है वहां पर हम नहीं चल रहे हैं। अरे जब हम स्तर मानो है उसी स्तर पर हम चलें, कितना भी बच्चा कमजोर होगा तो यदि 36 अक्षर होते हैं क से लेकर के एक जन तक, एक दिन में एक अक्षर सिखाएंगे 36 दिन में नहीं सीखेगा। हमको क सिखाना है केवल। हमें दुख इस बात का होता है कि जब हम बोर्ड पर क लिखते हैं और हमारा विद्यार्थी क को पहचानने के लिए मना कर देता है और रजिस्टर में देखते हैं तो प्रतिदिन स्कूल आ रहा है, आ नहीं पहचान रहा है, बड़ा आ नहीं पहचान रहा है। तो हम केवल क की प्रैक्टिस कराएं, बड़ा क की प्रैक्टिस कराएं, छोटी की प्रैक्टिस कराएं, छोटे छोटे। एफएलएन स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत जो गतिविधियां कराई जाती हैं तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए है। यह आप सभी को भली भांति मालूम है कि जब हमारा विद्यार्थी स्कूल नहीं आता है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता है, कहीं कहीं अपने सहपाठियों के साथ खेलता है। तो यदि बच्चे को हम अपने स्कूल में इस तरह से वातावरण निर्मित करके दें कि उसे आनंद आए, आनंददायी वातावरण बनाने के लिए हम गवाते हैं, खेल कूद कराते हैं और उसका माइंड इस तरह से सेटअप करते हैं कि जैसे ही सुबह स्कूल की घंटी बजे उसकी उत्सुकता रहे कि कब सुबह हो और मैं 10:30 बजे स्कूल पहुंचूं और मुझे आनंद आए। इसके जादूगर आप हैं, ये आपके हाथ में है। जादूगर डमरू से कोई जादू नहीं दिखाता है, जबकि लोगों को डमरू बजा करके बुलाने का काम करता है। तो इस डमरू की आवश्यकता है कि आप किस तरह से काम करेंगे कि आपके बच्चे आपके विद्यालय में आने के लिए आकर्षित हों, अपने माता पिता से आग्रह करें कि मुझे स्कूल जाना है। और हम सभी शिक्षक साथियों के ऊपर उनका इतना विश्वास होता है, मैं देखा हूं कि जब कभी उनके माता पिता भी कहते हैं कि ये गलत लिखा है तो कई ऐसे विद्यार्थी बोलते हैं कि हमारे सर जी ऐसा बताएं कि यही सही है, यह हमारा विश्वास है। और यदि उनका इस धरा पर जन्म हुआ है और माता पिता अशिक्षित हैं और उस अशिक्षित को शिक्षित करने का पूर्ण दायित्व ईश्वर के द्वारा मेरे हाथों और कंधों में सौंपा गया है और हम लोग इस कार्य को नहीं करते हैं, तो फिर हम भी आप सोच सकते हैं कि क्या अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं 100% ये बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांश बच्चों को मैं तो स्वयं देखता हूं उनके साथ काम करने में उत्साहित होते हैं और करते हैं। आप सभी अनुभव किए होंगे कि कुछ दिनों से मैं केवल एक स्टेप पर काम कर रहा हूं, प्रार्थना पर, और प्रार्थना का एक पूरा बिंदु बना करके दिया था किसी बिंदु के आधार पर प्रार्थना आयोजित हो। और मुझे अत्यंत खुशी होती है कि हमारे कुछ विद्यालयों में गतिविधियां की जा रही हैं बिंदुवार और हमारे विद्यार्थी वास्तव में प्रसन्न है। मैं करकड़ियार में था, बहुत अच्छी प्रार्थना उनके द्वारा प्रस्तुत की गई, कई स्कूलों के वीडियोस देखता हूं, बहुत अच्छी गतिविधियां हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि विद्यार्थी करेंगे। हो सकता है आप करते रहे इसके पूर्व लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं था, तो मैं इसकी उपलब्धि मानता हूं। और उपलब्धि का लेवल साथियों 100% कभी भी नहीं होता है उसका रेशियो। आप अपने मन को इस बात से संतुष्ट करने का विश्वास कीजिए कि जो आप काम कर रहे हैं आज पूरे दिन, तो हमारे कुछ विद्यार्थियों का भला हुआ है कि नहीं हुआ है, बहुत आनंद आता है उन्हें पढ़ाने में। तो जहां जिस लेवल पर हो उसी लेवल से पढ़ाना शुरू करना है। अभी भी हमारे पास 15 दिन का समय शेष है, पूर्ण रूपेण हम दक्षता में लग जाएं कि किसी भी तरह से छोटे, आप उसको देखिए कि बिना मात्रा वाले शब्द क और म पढ़ रहा है तो मत तो पढ़ ले, कम पढ़ ले, फिर बड़ा आ की मात्रा आना जाना पढ़े, फिर दीदी पढ़े बड़ी की मात्रा, फिर छोटा ओ की मात्रा। इस तरह से एक शैली होती है और टेक्निक, हम आपसे भी उम्र में छोटे हैं, आप तो बहुत हमारे से परिपक्व हैं, बहुत शैली मैं नहीं सिखा सकता हूं, शैलियां आपको मालूम है। हां केवल फील्ड में काम करने की आवश्यकता होगी, करने की होगी। आज की मीटिंग में आदरणीय द्विवेदी जी का हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। सीओ सर मीटिंग लिए हुए थे, जिला पंचायत में आदरणीय द्विवेदी जी उपस्थित थे और बहुत ही कड़े निर्देश एमडीएम के संबंध में मिले हैं। और मैं निवेदन करता हूं द्विवेदी जी से कि एमडीएम संबंधी सीईओ महोदय के द्वारा जो भी निर्देश मिले हैं तो हम सभी शिक्षक साथियों तक पहुंचाने की कृपा करें। आदरणीय द्विवेदी जी,